भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के 5 ऐसे गाने जो कि आते ही धमाल कमाल बवाल मचाने वाले थे, लेकिन टाई टाई फिस क्यों हो गए। जी हाँ, हम बात करेंगे कि लॉकडाउन में ही मौगी खेले पबजी 1 हफ्ते के ऊपर, यानी कि तकरीबन 2 हफ्ते में 43 मिलियन व्यूज़ हासिल करता है, तो वहीं खेसारी लाल यादव का मीठी जलेबी 6 दिन में 1 मिलियन व्यूज़ हासिल करता है। जी हाँ, मीठी जलेबी उनका एक गाना था जो कि रिलीज़ हुआ, और रिलीज़ हुए 6 दिन हो गए, लेकिन उस गाने ने 1 मिलियन व्यूज़ अभी तक हासिल किया है, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन इसकी पब्लिसिटी बहुत हुई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक गाना आया खेसारी लाल यादव का जो कि जवानों पर था, कि खेसारी जल चढ़ाई बे, जिसने 5 दिन में 2.4 मिलियन व्यूज हासिल किए। अमूमन जो एक गाना जैसे कि मौगी खेले पबजी अगर 1 हफ्ते में आप बताइए 30 मिलियन क्रॉस करता है, दूसरा ये गाना 5 दिन में 2.4 मिलियन जो कि काफ़ी कम है। ये सब कुछ तो ठीक था, लेकिन हाल ही में खेसारी का 2 गाना रिलीज़ हुआ 1-2 दिन के अंतराल में ही, लेकिन आज भी उसके व्यूज़ 1,17,000 है, वो भी 17 घंटे में। जी हाँ, आपने सही सुना, 1,17,000 सिर्फ 17 घंटे में। और ऐसे ही उनका एक और गाना रिलीज़ हुआ जो 14 घंटे में सिर्फ 3 लाख व्यूज़ हासिल कर पाया है। तो इन गानों को लेकर क्या कहेंगे खेसारी लाल यादव, क्योंकि मौगी खेले पबजी अगर इतना बड़ा हिट हो सकता है तो ये गाना क्यों नहीं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव व्यूज़ खरीदते हैं, तो क्या पवन और खेसारी इन गानों के लिए व्यूज़ नहीं खरीद सकते जो गाने उनके चल ही नहीं रहे हैं। खैर, इस पे विवाद करना, बात को तूल देना होगा, लेकिन आप भी सोचिए कि एक सुपरस्टार के जब गाने व्यूज़ वाइज अगर आ रहे हैं, उसके फैंस उसके अंधाधुन सारे गाने पसंद कर रहे हैं, ये लगभग 4 से 5 गाने क्यों इतने पीछे चल रहे हैं जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुए, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है इन्हें रिलीज़ हुए। और ऐसा भी नहीं है कि इन गानों का प्रमोशन नहीं किया गया, इन गानों का भरपूर प्रमोशन किया गया है, फिर भी इन गानों ने अभी तक अपनी वो पैठ नहीं बनाई है जो कि मौगी खेले पबजी ने बना ली है। खैर, इस पर आगे भी हम वीडियो आपको और बताते रहेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।